जैन को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत सेकुलर लोग हैं। और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे, वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। किसी का इनकार है, बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड जो उस दिन था वो आज भी है। बहुजन समाज पार्टी उस दिन भी कही थी कि ये गठबंधन कभी टिक नहीं सकता है। तो किसी का इकरार, मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचेगी। कोई न जाने देने को तैयार है। I would welcome any party from Uttar Pradesh or anywhere else in the country joining the NDA. तो कोई स्वागत को बेकरार, लेकिन जिन्हें खुद तय करना है उन्होंने अभी तक खामोशी अख्तियार कर रखी है, न इनकार ही किया है न इकरार। लेकिन यूपी की सियासी फिजाओं में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल रही है कि जयंत अपने साथी अखिलेश का साथ छोड़ने वाले हैं। यूपी में सीटों को लेकर फंसे पेंच के बीच इंडिया गठबंधन को यूपी में बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी बीजेपी से गठबंधन की बात कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जयंत चौधरी की बीजेपी नेताओं से मुलाकात भी हुई है। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की ये पोस्ट करीब 18 दिन पुराने हैं। 19 जनवरी को पोस्ट के जरिए गठबंधन का ऐलान हुआ था, बीजेपी के खिलाफ साथ लड़ने का करार हुआ था। फिर आखिर 18 दिन में क्या बदल गया, आखिर क्यों अब जयंत चौधरी की एनडीए में जाने की चर्चा शुरू हो गई? इन सवालों के जवाब समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच हुए सीट बंटवारे में है। दरअसल समझौते के तहत समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को 7 लोकसभा सीटें दी है। आरएलडी को बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना, मथुरा और हाथरस सीटें देनी तय थी, लेकिन बाकी की 2 सीटों को लेकर संशय बना है। मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, नगीना और फतेहपुर सीकरी में से कौन सी और 2 सीट आरएलडी को दी जाएंगी, इस पर फैसला नहीं हो पा रहा है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इसी बीच समाजवादी पार्टी की एक और शर्त ने जयंत को नाराज कर दिया। दरअसल समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को 7 सीटें तो दी, लेकिन शर्त ये रख दी कि 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी के नेता आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर की सीट पर अखिलेश अपनी पार्टी के नेताओं को आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ाने वाले हैं। मुजफ्फरनगर सीट से समाजवादी पार्टी हरेंद्र मलिक को आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ाना चाहती है। अखिलेश की इन शर्तों ने जयंत चौधरी को नाराज कर दिया। सूत्रों का दावा है कि आरएलडी के नेता और कार्यकर्ता 7 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। ऐसा नहीं होने पर जयंत पर गठबंधन तोड़ने का दबाव है, लेकिन डिंपल और शिवपाल एक साथ अभी भी कह रहे हैं जयंत नहीं जाएंगे। जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, वो सेकुलर लोग हैं। और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे, वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचेगी। सीटों से ही नाराजगी है और सीटों से ही खुशी, लेकिन इस बार भी अखिलेश आरएलडी को 7 सीटें दे रहे हैं, लेकिन असल में आरएलडी के पास महज 3 सीटें ही बच रही हैं। ऐसे में चर्चा है कि जयंत तो बीजेपी के साथ गठबंधन की चर्चा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी बागपत और मथुरा सीट आरएलडी को दे सकती है, राज्यसभा की भी 1 सीट आरएलडी को दी जा सकती है। चर्चा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 2 से 3 दिन में बीजेपी और आरएलडी के बीच चुनावी गठबंधन पर बात फाइनल हो सकती है। हालांकि सियासत की पुरानी रवायत है कि यहां जो दिखता है वो होता नहीं और जो नहीं दिखता वही होता है, तो फिर आगे आगे देखिए होता है क्या।